हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू और व्रत वाले आटे से टेस्टी सा नाश्ता। ये हम जब भी व्रत में भूख लगे इसे बनाकर खा सकते हैं और इसे बिना व्रत के भी हम बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके लिए हम एक पैन में 1 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। व्रत का खाना बना रहे हैं तो हम इसे घी में ही तैयार करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने जीरे को डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दिया और 1/2 टीस्पून हमने इसमें अदरक को कद्दूकस करके ऐड कर दिया। इसे हल्का ब्राउन होने तक भुना हमने। अब 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया। खूब सारा हरा धनिया बारीक काट के डाल दिया हम। पानी में बॉयल आने तक रख दिया इसे। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डाल दिया और 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अब 1 कटोरी जो हमने पानी की डाली थी उसी कटोरी से हमने 1 कप व्रत का आटा डाल दिया हमने। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जैसे 1 कप आटा है तो 2 कप पानी डालेंगे इसमें। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। 1 कप आटे में 2 कप पानी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनने के बाद हमने 1 कप भर के आलू को पहले से बॉईल करके रखा था उसे कद्दूकस कर लिया था हमने छीलकर। इसे भी हम अच्छे से इसके बीच में ही मिक्स कर देंगे। ऐसे हम अच्छे से बीच में चलाते रहेंगे और साथ में मिक्स करते रहेंगे। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब 1 प्लेट में थोड़ा सा नीचे घी लगाने के बाद इसे हम फैला देंगे इस तरह से। आप किसी भी शेप में इसे फैला सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक इसे ठंडा होने के बाद इसे हम अपने मनपसंद शेप में इसे काट लेंगे। मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल जाते हैं। ऐसे हम सभी पीस को प्लेट से निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। आप चाहे तो किसी और शेप में भी इसे रख सकते हैं। इसी शेप में मैंने सारे पीस को काट कर तैयार कर लिया है। अब 1 पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसे नाश्ते को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा नाश्ता, ऊपर से फ्राई हो जाएगा। एक से दो मिनट के बाद इसे हम साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर बना है इसका। दोनों तरफ से इसे हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम है। दोनों तरफ से ब्राउन होने के बाद हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे और इसका सारा घी निकाल देंगे हम। इसी पैन में हम थोड़ा सा घी बचा है उसी में हम बाकी के पीस भी ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। नवरात्रि के व्रत में ऐसा चटपटा सा नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ अलग सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ। ये हम सारे नाश्ते को निकाल लिया हमने, 1 प्लेट में सर्व किया है। इसमें मैं साथ में इमली की चटनी सर्व की है। इसे हम तोड़कर दिखाते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ऐसी आसान सी रेसिपी को आप भी बनाकर ट्राई करें। मिलेंगे ऐसी ही और नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।